Hey guys, welcome back to Richa and Saurav World. तो दोस्तों आज हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि यूके में लोग कितना अर्न कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल, हम दोनों अपने प्रोफेशन के हिसाब से कितना अर्न करते हैं और टैक्स वगैरह यहाँ पे कैसे होता है. अगर आप लोग इन केस आने का सोच रहे हैं तो आप लोगों के पास ऑप्शन है कि आप कितनी सैलरी आप लोगों को मिलेगी. फ्रेशर के लिए अलग है, एक्सपीरियंस वाले के लिए अलग है. तो और कितना टैक्स होता है सब कुछ हम आपको डिटेल में बताएंगे इस वीडियो में. हाँ, तो यही सब हम कवर करने वाले हैं. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम दोनों का प्रोफेशन क्या है, हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था. सौरभ, तो मैं एक आईटी बिजनेस एनालिस्ट मैनेजर हूँ, आईटी कंपनी में ये काम करता है. और मैं हूँ सीनियर लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर, मैं करती हूँ एक शिपिंग कंपनी में काम. तो हम दोनों की जो सैलरीज हैं वो ऑब्वियसली अलग अलग होंगी. इसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है मेरे से, मेरा एक्सपीरियंस कम है, तो डेफिनेटली सैलरीज का भी बहुत फ़र्क है. सो मेरे को 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है. हाँ, और मेरे को है 4 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस. तो गाइस, हम लोग की सैलरी भी आपको पता लग ही जाएगी इस वीडियो को देखते देखते. हाँ जी. और ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ अपनी ही सैलरी बताएंगे, हम लोग क्या करेंगे आपको बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज ऑफ जॉब के बारे में बताएंगे और उसकी सैलरी का एक रेंज बताएंगे कि इतने रेंज से लेके इतने रेंज तक आप लोगों को सैलरीज मिलती है. प्रेशर को अलग होगी, एक्सपीरियंस को अलग होगी. और सॉरी अबाउट दैट, बहुत ज़्यादा ठंडी है लंदन में इस टाइम पे, हाथ पैर सूज रहे हैं. तो सौरभ तो पूरा अपना कपड़े वपड़े पूरे कैप वगैरह पहनी हुई है एंड माई हैंड्स आर टोटली फ्रीजिंग. तो यहाँ पर पहले बात ये डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे काम कैसे कर सकते हैं. तो यहाँ पर 3 तरीकों से काम कर सकते हैं. तो परमानेंट बेसिस पे आप काम कीजिए, कॉन्ट्रैक्टिंग बेसिस पे काम कीजिए और फिर पार्ट टाइम भी काम कीजिए. जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए स्पेशली उनको पार्ट टाइम ही काम करना होता है, लाइक उनके एक आवर्स डिफाइन होते हैं. okay, तो स्टार्ट करते हैं पहली चीज़ कॉन्ट्रैक्टिंग जॉब्स बारे में. सिर्फ देखिए कॉन्ट्रैक्टिंग क्या है कि आपको क्या करना है, एक कंपनी के साथ जाकर डिस्कस करना है कि मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट पे काम करूंगा. कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, साल का, मतलब डिफाइन किया जा सकता है स्टार्टिंग में ही. उसमें बेनिफिट ये क्या है कि आप ना बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हो कि आपको 3 महीने काम करना है 6 महीने, तो आपको 3 to 4 times सैलरी जो आप नॉर्मल पूरे साल में कमाते हो ना, इस 3 or 4 months में आप 3 to 4 times कमा सकते हो. पर इसका नुकसान क्या है कि आपको कभी भी कंपनी बोल सकती है कि कल से मत आइए. देखो ये बहुत रिस्की वे है काम करने का, पर इसमें क्या है पैसा भी बहुत ज़्यादा कमाते हैं. कॉन्ट्रैक्टिंग में क्या होता है, नुकसान ये है कि आपको कोई नोटिस पीरियड नहीं है, कंपनी कभी भी बोल सकती है कल से मत आइए. पर इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपने 4 महीने भी काम कर लिया ना, आप पूरे साल जितना पैसा कमा सकते हैं. ठीक है, एक चीज़ ये भी बोलना चाहता हूँ कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर 2 partners है, मतलब हस्बैंड वाइफ, तो नॉर्मली क्या करता है कि एक बंदा रिस्क लेके कॉन्ट्रैक्टिंग करता है यहाँ पर और दूसरा पार्टनर एक फुल टाइम जॉब करता है ताकि रिस्क भी उसका कम हो सके. तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यहाँ पे परमानेंट जॉब्स की. तो परमानेंट जॉब की अगर बात करते हैं तो जैसे कि आप एक कंपनी के साथ फुल टाइम एम्प्लॉय हो, आपका जो भी पेंशन होता है, टैक्सेस होता है, वो कंपनी को मैनेज करना पड़ता है. और बहुत बार मुझे ये सवाल पूछा गया है कि जो परमानेंट एम्प्लॉय है वो कितने घंटे काम कर सकता है. तो गाइज, लेट मी क्लियर यू दिस थिंग कि आप अगर परमानेंट एम्प्लॉय हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे आप 40 आवर्स काम कीजिए, चाहे आप 48 आवर्स, 50 आवर्स. मेरे कुछ फ्रेंड हैं जो 48 आवर्स तक काम करते हैं, लाइक 12 आवर्स पर डे के हिसाब से. और मैं जो हूँ, मैं 40 आवर्स काम करती हूँ. आई एम अ फुल टाइम एम्प्लॉय. 8 घंटा मैं पर दिन के हिसाब से काम करती हूँ, पर डे के हिसाब से. तो दिस इज़ टोटली अप टू यू कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपकी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, आपकी कंपनी कितने घंटे काम करवा रही है, कैसा काम है. अब बात करते हैं पार्ट टाइम जॉब्स की. बहुत बार सवाल पूछा गया कि पार्ट टाइम में कितने घंटे काम कर सकते हो, तो वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है. अगर आपके पास एक कोई ऐसा वीज़ा है जहाँ आप डिपेंडेंट वीज़ा पे हो, तो आप चाहे 30 घंटे काम कीजिए, चाहे 20 घंटे काम कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो यहाँ पे, तो उनके लिए ये डिफाइंड है कि आप 20 घंटे से ऊपर काम नहीं कर सकते हो और वो सिर्फ पार्ट टाइम में 20 आवर्स तक ही काम कर सकते हैं पर वीक में. तो गाइज, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, वो है टैक्सेस के ऊपर. तो गाइज, यूके ना वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेइंग कंट्री है. इंडेक्स से कंपैरिजन करूँ ना तो यहाँ पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा है. ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ज़्यादा टैक्सेस लेते हैं. अगर ये टैक्सेस ज़्यादा लेते हैं तो इसके बदले में बहुत सी सर्विसेज देते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो एजुकेशन है सारे बच्चों के लिए वो फ्री है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पे फ्री है, मेंटेनेंस है जो कि सड़कों पे, सफाई बहुत है, वो सारा कुछ सारा हमारा टैक्सेस से ही निकलता है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्सेस की. अगर इंडिया में टैक्सेस 30% तक है तो यूके में टैक्सेस 40% तक है. एक चार्ट यहाँ पर दिखाने वाला हूँ जिसमें आपको दिखा
दिखाऊंगा कि आपको कितनी सैलरी पे कितना टैक्स देना पड़ेगा। जैसे जैसे आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है, आपको टैक्सेस भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहता हूँ, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी हैं, जैसे कि NI जो कि है नेशनल इंश्योरेंस चार्जेस, जो कि आपको यहाँ पे देना पड़ता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे मिनिमम वेज एक सेट होता है हर एक एम्प्लॉय के लिए। यूके गवर्नमेंट ने और इवन बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज ने यहाँ पे एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जो भी किसी प्रोफेशन में काम करता है वहाँ पे उसको एक मिनिमम सैलरी तो आपको देनी ही पड़ेगी, चाहे वो फ्रेशर है चाहे वो एक्सपीरियंस है, उसको इतने से कम पैसा नहीं मिलेगा। यूके गवर्नमेंट ने एज के हिसाब से आपका एक मिनिमम वेज जो है डिफाइन किया हुआ है। तो मैं आपको फटाफट एक करंट सिनेरियो बता देती हूँ, ये चेंज होता रहता है, मे भी हो सकता है जब तक आप वीडियो देखो तो उस तक टाइम पे चेंज हो गया हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेजेस। अगर आपकी एज 24 से अबव है तो आपको 8.72 पाउंड मिनिमम वेज मिलेगा पर घंटे के हिसाब से। अगर आप 21 टू 24 ईयर ओल्ड हो तो आपको 8.20 पाउंड मिलता है। अगर आप 80 टू 20 ईयर ओल्ड हो तो आपको 6.45 पाउंड मिनिमम वेज मिलता है। इन केस अगर आप 16 टू 17 ईयर ओल्ड हो, लाइक आप स्टूडेंट हो, इतनी एज में तो स्टूडेंट ही होते हैं लोग, तो आपको 4.55 पाउंड मिनिमम वेज मिलता है। अब आता है मेन क्वेश्चन कि हमारी सैलरीज कितनी है। वैसे सैलरीज बताना अच्छी बात नहीं होती, बैड मैनर्स बोला जाता है। हाँ, बट आपको एक आइडिया देने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस के बारे में उनको एक अप्रोक्सीमेट सैलरी बताएंगे, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हो। क्योंकि ये बहुत बार सवाल पूछा गया है कि भी सेल्स वालों को कितनी मिलती होगी, बैंकिंग वालों को कितनी मिलती होगी। तो हम लोगों ने कुछ रिसर्च की है जो आप लोगों के सामने हम शेयर करने वाले हैं। देखिए, ये चेंज होती रहती है, ऐसा नहीं है कि ये एक सेम ही रहेगी। हाँ। हो सकता है ज्यादा हो कम हो, लेकिन आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया मिल जाएगा। अगर आप टीचिंग प्रोफेशन की बात करें तो आपका जो रेट्स होता है वो 9000 पाउंड से स्टार्ट हो जाता है और 18000 पाउंड तक चलता है पर ईयर के हिसाब से। सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होते हैं वो 21000 पाउंड से स्टार्ट होकर कम से कम 50000 पाउंड तक कमा सकते हैं, डिपेंड करता है वो सीनियर पोजीशन पे है जूनियर पोजीशन पे है। इसी तरह अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स ले लेते हैं, सेल्स ले लेते हैं, लॉजिस्टिक ले लेते हैं, उनका जो पेमेंट होता है वो 13000 पाउंड से स्टार्ट होता है और अप्रोक्सीमेटली चला जाता है 25-30000 पाउंड तक, डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस। उसी तरह अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करते हैं तो उनका पेमेंट 25000 से लेकर 60000 पाउंड तक होता है, डिपेंड करता है वो कौन सी पोजीशन पे है, कौन सी पोस्ट पे है। प्रोजेक्ट मैनेजर की बात ले ले तो उनका भी 25000 पाउंड से लेकर 60000 पाउंड के बीच में हो जाता है। इसी तरह आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि बाकी पेमेंट्स भी इसी तरह ही होती है, डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आप किस पोजीशन पे है, किस पोस्ट पे है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं हाथ से काम करने वाले, जैसे कि कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने आ रहा है, कोई सड़कें कंस्ट्रक्ट करने आ रहा है, कोई करने आ रहा है। उन सब लोगों की एक मिनिमम सैलरी या फिर ओनर एवरेज सैलरी डिफाइंड होती है, जहां पे जैसे कि लाइक लेट्स सपोज आप लेके चलिए 25 पाउंड से लेके 35 पाउंड तक। इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो भी हमारी डोमेस्टिक हेल्प के लिए लेडीज या जो भी कोई काम करती है, उन लोगों की भी एक मिनिमम सैलरी डिफाइंड है, वो है 8.73 पाउंड। उतना हमको उनको देना ही पड़ता है अगर हमें उसे काम करवाना है। मेन क्वेश्चन ये था कि काफी लोग हम लोग से पूछते रहते थे कि हम लोग लोन लेके यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं तो हम इतना पैसा कमा पाएंगे कि अपना लोन चुका पाए या नहीं। तो आपको भी ये पूरा आइडिया ये सैलरी चार्ट देख के समझ आ चुका होगा कि आपको कितना पैसा मिलेगा ताकि आप अपना लोन चुका सके। हाँ, क्योंकि अभी यहाँ पे अगर ऐसा है कि अगर आपकी सैलरीज अच्छी है तो लिविंग एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा है। हाँ। तो आपको वो मैनेज करना बहुत ज्यादा, मतलब कि सही से मैनेज करना पड़ेगा। तो लिविंग एक्सपेंसेस के ऊपर तो एक पूरी वीडियो बन जाएगी, क्योंकि लिविंग एक्सपेंसेस इंडिया से तो बहुत ही ज्यादा है। हर चीज अगर यहाँ पे टैक्स ज्यादा है, लिविंग एक्सपेंसेस ज्यादा है, सैलरीज भी ज्यादा है। गाइस, अगर आपको लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में जानना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए टैक्स भी ज्यादा है, लिविंग एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो हर चीज ही महंगी है। तो अगर आपको उसके बारे में जानना है तो ऑब्वियसली हमें एक नया वीडियो तैयार करना पड़ेगा, और फिर उस वीडियो के हिसाब से आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि भाई अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं या यहाँ पे रह रहे हैं तो ऑलरेडी अगर हम इतनी सैलरी कमा रहे हैं तो हमारे खर्चे कितने होने वाले हैं। हाँ, खर्चे भी बहुत ज्यादा है, तो हम ओवरऑल कितना खर्चा करेंगे और कितना हम लोग सेव कर पाएंगे। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या कहते हैं, सब मैनेज करना। तो उसके लिए हम एक नया वीडियो तैयार करेंगे, अगर आप चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
तो गाइस इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो अगर कोई आपका सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। एग्जैक्टली exactly. और हम यही बोलेंगे कि हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो गाइस टाटा बाय बाय, टेक केयर, एंड ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए और हमारे नेक्स्ट ब्लॉग्स को और वीडियोज़ को देखते रहिए। बाय बाय।